अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मोहम्मद अली आगा विद चुदान सलीम। और व्यूअर्स, आज आपके लिए लाया हूँ आपकी मेरी हम सब की सबसे फेवरेट हैचबैक। जिस हैचबैक की मैं बात कर रहा हूँ, उस हैचबैक का नाम है जी टोयोटा एक्वा। और ये टोयोटा एक्वा का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, न्यू मॉडल है, आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट कर रहे हैं हम आज। ये कार अवेलेबल किन के पास है? ऑटो नेशन मौलाना शौकत अली रोड लाहौर में। और अगर हम इसकी कुछ लुक्स वाइज बात कर लें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसकी ये लाइट दिखाना चाहूँगा, जो कि बड़ी फिशी सी लुक देती है और बड़ी क्यूट सी भी लगती है इसकी वजह से। और अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो हाई बीम लैंप इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, इंडिकेटर में हैलोजन लैंप यूज़ किए गए हैं, पार्किंग लाइट में भी आप देख सकते हैं हैलोजन लैंप इसमें यूज़ किए गए हैं। लाइट की बात करें तो इसमें आप नीचे देख सकते हैं एडिशनल फॉग लैंप्स भी इसके बम्पर में एडेड हैं। इसके अलावा इसमें कुछ यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स वगैरह भी ऐड हैं। और इसका जो फ्रंटल लुक है, यहाँ पर आकर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। आई गेस के अगर आप लोगों ने टोयोटा यारिस का नया मॉडल देख लिया है तो बिल्कुल टोयोटा यारिस में ना ये चीज़ उन्होंने अब ऐड कर दी है, जो उसके वो फेसलिफ्ट दे दी है ना, इसकी वजह से ये कुछ टोयोटा यारिस की लुक भी देती है, स्कॉर्पियन लुक भी आती है इसके अंदर। इसके अलावा आप इसका यहाँ क्रोम में बैच देख सकते हैं, जो कि ब्लू में कवर्ड अप है, जो कि इसके अगेंस्ट हाइब्रिड होने को शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप इसकी स्लोप देख लें फ्रंट से तो बड़ी एरोडायनेमिक सी शेप आती है इसकी, बड़ी ज़बरदस्त सी। और फ्रंट पे आप देख सकते हैं इसके रडार सिस्टम भी है। देन इसके अगर हम व्हील्स की बात कर लें तो व्हील्स में आपको यहाँ पे सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में बता दूँ, मैकपर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग इसके अंदर एडिड है। फ्रंट पे जो ब्रेक्स हैं वो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं। और इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर स्टील रिम है इसके अंदर, जिसके ऊपर व्हील कप भी आपके एडिड हैं। प्रोफाइल की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर मैं आपको टायर प्रोफाइल के बारे में बता दूँ, 185/65 और R15 का इसके अंदर टायर भी मौजूद है। साइड पे आप देख सकते हैं इसके मिरर रिट्रैक्टेबल है, इंडिकेटर इसके अंदर माउंटेड है। डोर हैंडल की अगर बात कर लूँ तो सेम बॉडी कलर में है। अगेन इसकी जो स्लोप है, बड़ी कर्वी इसकी जो साइड लुक है, उसको इन्होंने एक दफ़ा डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंड आपको बिल्कुल जो है CHR से रिजेंबल होता हुआ मिलता है। और अगर हम इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो 35 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 1500 cc कार की 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ऑलमोस्ट 160 में मिल जाती है, 160 mm में आपको मिलती है। देन इसके आप बैक साइड पे आते हैं तो सबसे पहले टॉप साइड पे मैं दिखाना चाहूँगा कि आपके एरोडायनेमिक इसकी कंप्लीट रूफ है, जिसके टॉप साइड पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, बैक साइड पे एंड होता है, स्पॉइलर है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है। और अगेन कार किनके पास है जी? ANC ऑटो नेशन इम्पोर्ट्स एक्वा, द नेम इनका मेंशन है कार का, और हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव ये भी मेंशन है। बूट स्पेस की यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो बूट स्पेस आप देख सकते हैं, आपको ह्यूज बूट स्पेस मिलता है इसकी। अगर आप सीट्स को लोअर कर दें तो तकरीबन 460+ इसमें बूट स्पेस आपकी आ जाती है, 460+ लीटर की बूट स्पेस आपको उसमें तकरीबन मिल जाती है। लोअर साइड पे आप इसका बम्पर देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा इसमें बम्पर है, पार्किंग सेंसर इसके अंदर ऐड किए गए हैं, स्पॉइलर बम्पर है। और यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर ब्रेक लाइट भी माउंटेड है। अगर हम इसकी टेल एंड पे आ जाएं तो इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेक लैंप जो है आपको हैलोजन में मिलता है। और देन इसके ये जो साइड लुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जिस तरह की फिश के गिल्स होते हैं, वैसे इसमें 3 ये बुलेट्स इसके अंदर ऐड की गई हैं, जो कि इसको बड़ी खूबसूरत लुक दे रही हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर के ऊपर ये क्रिस्टल लुक भी आती है इसमें। और ये कुछ ओवरऑल इसकी लुक है, बड़ी कर्वी, बड़ी न्यू डिज़ाइन इसका आ चुका हुआ है मार्केट में, टोयोटा एक्वा 2022 मॉडल। और ये 24 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है और अवेलेबल किनके पास है? ऑटो नेशन मौलाना शौकत अली रोड लाहौर पर। फर्दर इसकी जो इंटीरियर है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, तो उसके लिए आप मेरे साथ चलिए कार के अंदर। थैंक्स टू द की, जिसकी वजह से मैं कार में एंट्री मिल सकी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 38 डिग्री थी, इस वक्त जो है बाहर का टेम्परेचर ऐसी, हमने कार पहले स्टार्ट कर ली, ऐसी पहले स्टार्ट किया ताकि जो हमारी लुक्स है ना वो थोड़ी अच्छी है, आपको पसीने में लूट फूट हम नज़र ना आए। अब इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील जो है इसका बड़ा स्पोर्टी सा आया गया है, बिल्कुल न्यू लुक में आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में इसका स्पोर्टी सी लुक और बड़ा ईजी टू कंट्रोल है। इसके अलावा ये रैक एंड पिनियन है, यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट वगैरह भी अपने हिसाब से जिस तरह आप चाहें वहाँ पे आप इसको एडजस्ट करके देन लॉक कर सकते हैं। और स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको क्रूज़ का कंट्रोल मिल जाता है, लेन असिस्ट मिलता है, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, एक साइड पे इसके जो है आपको कंप्लीट मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जैसा कि। और अगर हम इसके पीछे चले जाएँ थोड़ा मीटर की तरफ, तो मीटर में आपको देखें आपको क्या क्या मिलता है जी। मीटर में आपको लेन असिस्ट ऑन ऑफ होने का ऑप्शन मिल रहा है, इसके अलावा आपको टेम्परेचर बता रहा है बाहर का, कंप्लीट इसकी जो माइलेज है वो नज़र आ रही है, फ्यूल की सारी है और इंडिकेशन कितना रह गया कितना नहीं है। EV पे इस वक्त पावर इको चार्जिंग मोड रेडी टू ड्राइव है जी। और इसके अलावा पार्किंग यानी हैंड ब्रेक ऑन है इसकी, वो नज़र आ रहा है, आपकी लाइट्स ऑन है उसकी इंडिकेशन है, सीट बेल्ट मैंने नहीं पहनी उसकी इंडिकेशन है। और ये सारी इंडिकेशन जो है आपको इसके अंदर, इसमें डिफरेंट
मिल रही है। अब यहाँ पर इसकी कुछ बात करें ओवरऑल डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड की लुक बड़ी कमाल आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टार्ट स्टॉप का बटन है। इसके अलावा इसमें ये जो प्री यूज़ की गई है, इसकी ओरिजिनल है, जिसको आप टच पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और इवन इसके ये जो नोब्स है ना, इससे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन इसमें यहाँ पे आपको ग्लव्स बॉक्स मिल जाता है, जो कि अपर साइड पे अलग है और लोअर साइड पे अलग है। दो आपको ग्लव्स बॉक्स मिल जाते हैं, इसमें आपको चीज़ें रखने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। ग्लॉसी ब्लैक में इसको कवर अप किया गया है, जो कि इसके लुक को बड़ा ही ज़बरदस्त इस वक्त शो कर रहा है। और अगर हम इसकी कम्फर्ट की बात कर लें, तो यार ये एक्वा और पासो दो इंतहाई कंफर्टेबल कार्स हैं। इसकी जो राइड है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्मूथ है। आप लोग भी ज़रूर आएँ ऑटो नेशन मौलाना शौकत अली रोड लाहौर के पास और इसको ट्राई करें। और इसके अलावा इंटीरियर वाइज इसमें बात कर लें, तो इस वक्त इसकी जो सीट्स हैं वो फैब्रिक में कवर्ड अप हैं, बिल्कुल न्यू सीट्स हैं इसकी। और इसकी सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो 5% की सीटिंग कैपेसिटी है। इसमें आपको SRS एयर बैग मिलते हैं सेफ्टी के लिए, सीट बेल्ट मिलते हैं आपको इसके लिए। और इसके अलावा अगर आप इसके अगेन थोड़ा सा फ्रंट लुक की तरफ आ जाएं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल थोड़ा सा लोअर आपका जो है एसी का कंट्रोलर है, जिसको देखने में लगता है डुअल क्लाइमेट कंट्रोल ये है नहीं बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसके डिफरेंट ड्राइव मोड्स हैं। ड्राइव मोड आप देख सकते हैं इसमें चेंज हो रहे हैं, पावर, इको एंड देन पावर। और इसके अलावा इसमें ईवी मोड भी है, इस वक्त अनअवेलेबल है क्योंकि बैटरी लो है। तो हम इसके वापस इसको ड्राइव मोड इसका जो है इको पर ले आते हैं। इसके अलावा ये जो इसका गियर नोब है बड़ा यूनिक है। ऐसा गियर नोब हमने इसके अलावा निसान की काफ़ी ज़्यादा वेरियंट्स में हम देख चुके हैं, जैसे कि निसान नोट ओटेक में हमने इस तरह का नोब भी देखी। इसको अगर हम इस पर रिवर्स पे करें, तो देन रिवर्स करते साथ ही हमें इसका जो रिवर्सिंग है, इसकी साउंडिंग वगैरह वो हमें नज़र आ जाती है। ये देख लें, आपको इस वक्त सेंसर जो है कम्प्लीट ऑन ऑफ है, ये आपको मार्जिन बता रहे हैं। इवन आपको ये जो आपकी टर्निंग है इसके साथ भी आपको ये कम्प्लीट असिस्ट करेगा। तो ये जी इसका कुछ फंक्शन है, सिंपल आपको पी प्रेस करने पे वापस आप इसके पार्किंग पर आ जाते हैं। देन इसके लोअर साइड पे आप देख सकते हैं कंसोल है, इसमें आपको अच्छी खासी मिल जाती है स्पेस, आपको दो दो ग्लास होल्डर मिलते हैं, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। बैक पैसेंजर के लिए बैक साइड पे आपको दो जो है ये ग्लास होल्डर मिलते हैं। और अगेन इसके अलावा इसकी एंटरटेनमेंट की बात कर लें, तो एंटरटेनमेंट में आपको 4 स्पीकर इसके अंदर एडिड मिलते हैं, और एक बड़ी ज़बरदस्त कंफर्टेबल सी कार मिलती है, 1500 cc कार मिलती है। और एवरेज इसकी कमाल है, एवरेज क्या है वो मैं आपके साथ बात करके शेयर करता हूँ, आ जाए। व्यूवर्स अगर हम बात कर लें इसके इंजन की, तो इंजन इसका आता है जी 1500 cc में, हाइब्रिड इंजन है। और अगर आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 इनलाइन सिलेंडर भी इसके अंदर मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके हॉर्स पावर की बात कर लें, तो तकरीबन 116 हॉर्स पावर जनरेट करता है और 120 Nm ऑफ टॉर्क भी ये जनरेट करती है। इसके अलावा अब इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या है, वो है इसकी माइलेज। माइलेज के बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पर कि 20 से 24 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये इजीली आपको अवेल कर देती है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर पैडल बिहेवियर और आप इसको किस तरह एक्सेलरेट करते हैं, खिंच के चलाते हैं या नॉर्मल चलाते हैं या बदोबदी चलाते हैं, किस तरह चलाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, और उसी पर डिपेंड करता है इसकी फ्यूल एवरेज। तो अब बात रहेगी इसकी बाकी कुछ प्राइस की जी। तो व्यूअर्स बात कर लें इस खूबसूरत सी कार की प्राइस की, तो खूबसूरत सी कार की खूबसूरत सी प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ बदोबदी 70 लाख रुपए इसका मांग रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आ गया, तो आप बदोबदी आ जाएं ऑटो नेशन मौलाना शौकत अली रोड लाहौर के पास। और बाकी की जितनी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, वो आप इजीली इनसे अवेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह मार्केट में अवेल कार के बारे में डिटेल दूँ, नई से नई कार के बारे में बताऊँ, नए मॉडल के बारे में बताऊँ, तो लाजमी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर बदोबदी किसी न्यू कार के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।